आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। Swamiji's place. Now, Swamiji should say something. I rest. ये हर बात में उनके अंदर का भारत प्रेम कैसा छलक रहा है कि भारत में जो सद्भावनाएं हैं, भारत की जो अहिंसा और करुणा की अवधारणाएं हैं और भारत में जो रिलीजियस हार्मनी की बात उन्होंने कही है, तो निश्चित रूप से अपने आप में स्पष्ट कर रहा था कि उनके अंदर भारत प्रेम कितना गहरा है। बस एक बात और संकेत करते हुए कि इस वर्ष जनवरी में प्रयागराज में कुंभ का अवसर था, हम सब जानते हैं। कुंभ के अवसर पर हमारे पूज्यपाद महाराज श्री कार्ष्णी महाराज श्री के संरक्षण में, उनके स्नेहिल छत्र छाया में जो आज श्री गुरु कार्ष्णी कुंभ मेला शिविर रहता है, एक दिव्य और भव्य स्वरूप में, विराट स्वरूप में पूरे कुंभ मेला शिविर में राष्ट्र भर के प्रमुख संत रहते हैं, अनेक आध्यात्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रभावी आयोजन रहते हैं और उसमें इस बार परम पावन जी को उपस्थित होना था, कार्यक्रम निश्चित था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं आ पाए। और तब से लेकर के, क्योंकि हमारे पूज्यपाद महाराज श्री के भीतर की उनके प्रति सद्भावना और आज विज्ञान जो टेलीपैथी की बात करता है, तो परम पावन जी के मन में भी जो पूज्य महाराज श्री के प्रति एक हृदयगत सद्भावना है वो कहीं ना कहीं टेलीपैथी लेवल एक बना रहता है। तो अब इस बार परम पावन जी की ओर से ही संदेश आया कि कुंभ में नहीं आ पाए और वो यहाँ श्री रमण रीति धाम में आ रहे हैं। तो वास्तव में इसके लिए परम पावन जी का विशेष सब अभिनंदन कि उन्होंने स्वयं संदेश, स्वयं उन्होंने इच्छा प्रकट की, स्वयं उन्होंने मन बनाया कि मैं कुंभ में नहीं आ पाया और अब मुझे यहाँ रमण रीति धाम में आना है और अपनी वही भावना वो प्रकट करने के लिए कल श्री रमण रीति धाम में सहज स्नेहवश आए और कल से लेकर के जो एक आनंद का वातावरण यहाँ रमण रीति धाम में बना हुआ है परम पावन जी के आगमन पर, उनके द्वारा अनेक रूपों में पूजन अर्चन के कार्यक्रम और उनका पूजन अर्चन भी यहाँ कार्ष्णी बंधुओं ने, हमारे आचार्यगण विप्रगण सब ने जिस प्रकार से किया वो वास्तव में एक दिव्यता कल पूरा दिन रही। और आज प्रातःकाल 7 बजे परम पावन जी ब्रह्मांड घाट गए, यमुना पूजन हुआ, यमुना जी के कार्चन अभिषेक आरती निराजन वो सब बड़े दिव्य वातावरण में वहाँ संपन्न हुआ। और वहाँ से आकर के पत्रकार बंधु भी इस बात को अपने पास ले सकते हैं कि वहाँ से आकर के पूज्यपाद महाराज श्री की सन्निधि में और हमारे पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज की सन्निधि में परम पावन जी ने बहुत भावपूर्वक हमारे पूज्य महाराज श्री करवाए जा रहे थे और जिस प्रकार से रुद्राभिषेक हुआ वह वास्तव में बहुत दिव्य अनुभूति थी अपने आप में। और वहाँ के पश्चात परम पावन जी यहाँ विराजित हुए और पत्रकार बंधुओं की जिज्ञासाओं का उन्होंने बहुत सहजता से समाधान किया और समाधान के साथ साथ अनेक विषयों पर उन्होंने अपने मन की बात भी यहाँ रखी।
धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। ब्रज की बोली मिठलौनी जी, ब्रज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रज भूमि है, इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हो, देखते रहिए ब्रज भूमि न्यूज। मुक्ति कहे गोपाल सोंप, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रज भूमि न्यूज यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का।